किसान के बेटे को जिस दिन गोबर में बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में अकाल पड़ने वाला है। यह कथन है महान कथाकार, महान साहित्यकार, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को लमही ग्राम में हुआ था। लमही जो कि वाराणसी से 4 मील दूर पड़ता है। और आज के ही दिन अर्थात 8 अक्टूबर सन 1936 को उनका निधन हो गया था। मुंशी प्रेमचंद जी अभाव में जिए थे, गरीबी में जिए थे और उसी में उनका देहांत हो गया था। कहा जाता है कि उनकी कहानियों से अंग्रेज डर जाते थे, उनकी धड़कनें बढ़ जाती थी और उनकी कई कहानी अंग्रेज जला दिए थे, आग के हवाले कर दिए थे और उनका दाहिना हाथ काटने का प्रयत्न भी किए थे। तो यदि आप हिंदी पढ़ते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को नहीं पढ़े हैं तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आइए मुंशी प्रेमचंद जी की ही एक कहानी कफन आज हम लोग पढ़ते हैं। कफन 1936 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, तभी लोगों ने उसको पढ़ा था और सुना था। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आज भी यह कहानी लोगों को उतनी ही चुभती है जितना उस वक्त चुभती रही होगी। तो आइए मुंशी प्रेमचंद जी को नमन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनके कलम का सम्मान करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। यह कहानी है, कहानी का शीर्षक है कफन। कफन के मुख्य तीन पात्र हैं, घिसु, उसका बेटा माधव और माधव की पत्नी बुधिया। वैसे घिसु और माधव पर यह पूरी कहानी आधारित है। घिसु और माधव बहुत ही आलसी व्यक्ति हैं, कोई काम नहीं करते, कामचोर हैं, स्वार्थी हैं, इसलिए बहुत ही गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। और उनकी पत्नी बुधिया जो कि घर में ही रहती है और परेशान रहती है। आइए कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटी की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। इस समय माधव की जो पत्नी है बुधिया, वह गर्भवती है, माधव के बच्चों को जन्म दे रही है और दर्द के मारे मरी जा रही है। और यह दोनों माधव और घिसु, घिसु पिता है और माधव उसका बेटा है, दोनों बहुत ही आलसी हैं, इस समय द्वार पर बैठे हुए हैं। घिसु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़ कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और गांव में बदनाम। घिसु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फांके हो जाते तो घिसु पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न थी, यह तो उनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका, घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं, फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। गरीब इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेत से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते।
घिसु ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी थी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस समय भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी के खेत से उखाड़ लाए थे। घिसु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना में मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घिसु ने आलू निकालकर छिलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसु आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो न। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी न होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कि कोई बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा भी नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए और घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घिसु किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता। किसान जो हैं उनकी भी हालत घिसु के हालत से ज़्यादा अच्छी न थी, बल्कि किसानों की मजबूरियों का फायदा उवाले कहीं ज़्यादा संपन्न थे। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो था ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम किसानों किसी जीतोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भयता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र न था कि ठंडा होने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गई, छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने के बजाय खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए, वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। आप में से कुछ मित्र यदि गांव से होंगे तो उनको पता होगा कि जब हम लोग तीर में आलू का गुच्छा लगाते थे और उसको भट्टे में भूनते थे और जब खाते थे, जब उसका छिलका निकाल देते थे तो छिलका निकाला हुआ आलू बहुत तेज जलता है। जब हम मुँह में डालते थे तो वह आलू यहाँ हलक तालू को जला देता था और जल्दी जल्दी हम निकल जाते थे। यहाँ भी घिसु और माधव यही कर रहे थे, भुने हुए आलू को ठंडा नहीं होने दे रहे थे क्योंकि उनको जल्दबाजी था, 2 दिनों से कुछ खाए नहीं थे, इसलिए जल्दी जल्दी में निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी कई बार आंखें भी जल जाती थी। आइए आगे देखते हैं। घिसु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तीर्थ मिली थी वह उसके जीवन में याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई थी, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, 1 रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला।
कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, ऐसा खाया कि किसी से पानी तक न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाले जाते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रखे हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, हमें अब कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीब का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ कर्ज खर्च करने में किफायत सूझती है। तुमने 120 पूरियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडोलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ गीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुराने मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने और पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा, क्या है बेघिसुआ, रोता क्यों है, अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ भी हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। मुदा अर्थात लेकिन। अब कोई एक रोटी भी देने वाला न रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हो, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब बड़े दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कि कह दें चल दूर हो जाए यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। लेकिन यह समय क्रोध और दंड देने का न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए, मगर सातवना का एक भी शब्द मुँह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी मिल गई। और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लेने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ
और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे, बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उस बाजार की दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवीय प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे। मधुशाला अर्थात शराब खाना। और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, फिर दोनों ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, चिखौना अर्थात चखना। तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजियां ताबड़ तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को 1000 रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। ब्राह्मणों यानी ब्राह्मण। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। घिसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास ना आएगा लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिसू ने 2 शेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर सारा सामान 2 पतलों में ले आया, पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र, इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिसु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर भी नहीं मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी, बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घिसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया, वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे, कहेंगे तुम्हारा सिर, पूछेगी तो जरूर, तो तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा, तू मुझे ऐसा गधा समझता है, 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया, बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था, कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया, हाँ अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले में लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा, कितने तो वहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा में नशा करती थी, जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीतते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे, सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है।
भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। दोनों देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। हमेशा लेते ही रहते थे ये लोग, कभी दिए नहीं, आज पहली बार किसी भिखारी को कुछ दिए। गिजू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी की कमाई है। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या यह मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। नशे में आदमी कभी हंसता है तो कभी रोने लगता है, अस्थिर होता है उसका मन। यहाँ भी दुख का दौर आया, दुख की हवा चली, दोनों दुखी में आ गए। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख झेला, कितना दुख भोग कर मरी। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घिसु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर में नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।